श्रेयास किचन जोधपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कॉलीफ्लावर मंचूरियन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पहले दोस्तों मैंने कैबेज के मंचूरियन बॉल्स बनाए थे और आज मैं कॉलीफ्लावर मंचूरियन विद ग्रेवी बनाने वाली हूँ। तो कैसे बनते हैं ये आइए देखिए। दोस्तों, आज हम फूल गोभी के मंचूरियन बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आधा किलो फूल गोभी ली थी, उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। उसके साथ मैंने डेढ़ बड़े चम्मच जितना ये कॉर्नफ्लोर लिया है और ढाई बड़े चम्मच जितना मैदा लिया है। तो ये तीनों चीजें हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। दोस्तों, हमें इसका डो बनाना है, तो डो में हमें और कौन से मसाले ऐड करने हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, मंचूरियन बॉल्स बनाने में जो हम मसाले डालेंगे उसमें मैंने डेढ़ चम्मच यहाँ हल्दी ली है, क्योंकि यहाँ पे जो मसाले मैंने लिए हैं उसमें आधा मसाला मंचूरियन बॉल्स में लगेगा और आधा मसाला हम जो सॉस बनाएंगे इसका उसमें जाएगा। तो मैं आपको टोटली मसाला बता देती हूँ, उसमें से कितनी क्वांटिटी हम मंचूरियन बॉल्स में डालेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है, एक चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च लिए है, एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हींग पाउडर लिया है, डेढ़ चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और दो चम्मच मैंने नमक लिया है और थोड़ी सी मैंने एक डेढ़ इंच जितने अदरक को कद्दूकस करके रखा हुआ है और एक चम्मच अमचूर पाउडर लिया है। तो अब हम मंचूरियन बॉल्स की जो डो तैयार करेंगे उसमें कितना मसाला डालना है वो मैं आपको बता देती हूँ। डो के अंदर दोस्तों हम एक चम्मच करीब नमक डालेंगे, पौन चम्मच मैंने इसमें मिर्च पाउडर डाला है, अमचूर जो हमने लिए वो सारी इसमें ऐड करेंगे, सॉस में डालने की जरूरत नहीं है, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया आधा चम्मच, जीरा भी आधा चम्मच, 1/4 चम्मच गरम मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच हम सॉस में यूज करेंगे और आधी जो अदरक है वो इसमें यूज कर रही हूँ। इसके अलावा दोस्तों हम इसके अंदर, दोस्तों यहाँ पर मैंने दो बड़े प्याज बारीक कटिंग किए लिए हैं, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई ली है और दो टमाटर लिए हैं। टमाटर का दोस्तों मैंने अंदर का पोर्शन हटा दिया है ताकि ज्यादा खटाई नहीं हो सॉस के अंदर। तो इसी में से थोड़े से प्याज और मिर्च हम डो में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़े से प्याज ले रही हूँ और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ। दोस्तों, अब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो हाथों से अच्छे से मसलते हुए इसका डो बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें पानी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फूल गोभी में से हल्का सा पानी यूं ही अलग हो जाता है। तो उसी पानी में हमारा डो, ये देखिए, अच्छे से सेट हो गया है। देखिए, हमने डो बना लिया है इसका। अब हम इसकी मंचूरियन बॉल्स तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, बॉल्स के लिए हम डो के बराबर बॉल्स के हिसाब से टुकड़े तोड़ लेते हैं। बॉल आपको छोटी चाहिए बड़ी चाहिए आप उस हिसाब से इसके पीस कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से, और फिर हाथों पर गोल गोल इस तरीके से घुमाते हुए ये बॉल्स तैयार कर लीजिए। इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बना लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने बॉल्स रेडी कर ली है, तो इन बॉल्स को अब हम डीप फ्राई करेंगे। दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम एक एक करके बॉल्स डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें बॉल्स को अच्छे से फ्राई करना है।
करते रहिए ताकि बॉल्स दोनों तरफ से फ्राई हो जाए। हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करें दोस्तों, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसे मीडियम से लो फ्लेम पर ही अच्छे से फ्राई होने देते हैं। बॉल्स को दोस्तों हमें थोड़ा डार्क फ्राई करना है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करें। बॉल को अच्छे से फ्राई होने दीजिए जब तक कि ये एकदम अच्छे से ब्राउन कलर के नहीं हो जाए। बॉल्स को फ्राई होने में 1-1.5 मिनट हो चुका है, तो ये देखिए बॉल्स हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। इन्हें अब हम तेल में से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों पैन में हमने 1.5 चम्मच जितना तेल रखा है, बाकी का सारा एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल दिया है। अब हम सबसे पहले लहसुन की कलियां जो मैंने काट करके रखी है सॉस बनाने में उसका शौक लगाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हींग और जीरा भी डालेंगे। इसके साथ साथ प्याज डालेंगे। और प्याज के साथ जो हमने थोड़ी सी अदरक बचाई थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इन सारी चीजों को अच्छे से 1.5 मिनट फ्राई होने देते हैं। तो लहसुन प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर हरी मिर्च और टमाटर भी ऐड करेंगे। चलाते हुए इन्हें अच्छे से फ्राई होने देते हैं। और एक एक करके दोस्तों अब हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और जो बची हुई मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारे अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा इसे अच्छे से पकने देते हैं। तो 1/2 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी ताकि सब्जियां हमारी अच्छे से इसमें पक जाए। ये देखिए दोस्तों सब्जियां पक चुकी है, तेल छोड़ दिया है इन्होंने, तो इसका मतलब सब्जी हमारी रेडी है। तो अब हम इसके अंदर 1 बड़े चम्मच जितना चिल्ली सॉस, 1 बड़ा चम्मच केचप, इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। इन्हीं कटोरियों में दोस्तों मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ये सॉस हिला करके ले लिया है, क्योंकि आज हम मंचूरियन विद ग्रेवी सॉस बनाएंगे, तो थोड़ी हमें ग्रेवी ज्यादा बनानी है इसकी। ड्राई हम मंचूरियन नहीं बना रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों अब हम इसके अंदर 1/2 कटोरी पानी और ऐड कर रहे हैं ताकि ग्रेवी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो इसे अब हम अच्छे से एक बार उबाल आने देते हैं। ये देखिए दोस्तों सॉस में हमारा अच्छा उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर 1 बड़े चम्मच जितना सोया सॉस ऐड करेंगे। जैसे ही दोस्तों सोया सॉस डालेंगे ग्रेवी एकदम से गाढ़ी पड़ने लग जाएगी। तो इसे अब हम अच्छे से उबलने देते हैं ताकि सारे सॉस अच्छे से पक जाए। सोया सॉस की कटोरी में ही दोस्तों मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना पानी लिया है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब ग्रेवी को अच्छे से 1/2 मिनट हम
उबाल लेंगे। दोस्तों सॉस हमारा बिल्कुल अच्छे से उबल करके तैयार है, तो अब हम इसके अंदर मंचूरियन बॉल्स डाल देते हैं। अच्छे से बॉल्स को सॉस के अंदर मिला करके एक मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे, ताकि बॉल्स के अंदर सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छे से सेट हो जाए। तो गैस को मीडियम फ्लेम पर कर देती हूँ और एक मिनट तक इन बॉल्स को इस सॉस के साथ पकने देंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं इसके अंदर काली मिर्च पाउडर डालूंगी, जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए। ऊपर से ये जरूर डालिएगा दोस्तों, क्योंकि मंचूरियन विद ग्रेवी अगर स्पाइसी नहीं हो तो खाने का बिल्कुल मजा नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। ये हमारा मंचूरियन विद ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, इसे अब हम सर्विंग बाउल में लेंगे। तो दोस्तों हमारी कॉलीफ्लावर मंचूरियन बॉल्स और विद ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, हमने इसे बाउल में डाल दिया है। तो इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए थोड़े से स्प्रिंग ओनियन डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, झटपट से हमने मंचूरियन विद ग्रेवी तैयार कर लिया है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो एक बार आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो